आवाज आ रही है? जी 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 आगे हो रहे हैं, आगे काम करेंगे। इस वक्त हम जेल चौरंगी पे, ये जो बिल्डिंग है सुमिया ब्रिज व्यू, इस पर मौजूद हैं। एक सुपर मार्केट थी जिसके बेसमेंट पे तकरीबन 11:16 पे आग लगी। KMC को, फायर ब्रिगेड को मुतला किया गया और अगले 5 से 6 मिनट के अंदर यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो अमला था वो आ गया था। ये बेसमेंट में आग लगी है, इन्वेस्टिगेशन है। और अभी तक जो एफर्ट की गई है उससे फ़ायदा ये हुआ है कि आग को मज़ीद फैलने नहीं दिया गया और अभी तक बेसमेंट में कन्फाइंड है। जो ऊपर बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट करा लिया गया है। हमारे जो DC साहब हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, पुलिस है, सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग थे उनको यहाँ से बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया गया और कोई जानी नुकसान की अभी तक हमारे पास इत्तला नहीं है। मैं ख़ुद बेसमेंट की तरफ गया हूँ जहाँ तक जा सकता था। बड़ी सिवेर आग है और धुआं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फायर ब्रिगेड के ये बहादुर जवान जो हैं वो काम कर रहे हैं और जो मैक्सिमम करने की ज़रूरत है इस मामले को हल करने के लिए वो किया जा रहा है। इंशाल्लाह जो प्रोग्रेस होगी वो तमाम आपके साथ तफसीलात शेयर कर ली जाएंगी। इलाका मकीन भी यहाँ मौजूद है, लोग मौजूद हैं और लोगों की कोऑपरेशन के साथ ये सारा काम फायर ब्रिगेड का अमला बहादुरी के साथ सर अंजाम दे रही है। और इमरजेंसी की जो हमारी सर्विस थी, एम्बुलेंसेज वगैरह, हमने यहाँ पर मौके पर खड़ी की हुई है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है हस्पताल मुंतकिल करने की, तो आपके पास वो नई एम्बुलेंसेज ग्राउंड पर अवेलेबल हों। जी सर, क्या सूरत हाल है, फायर ब्रिगेड ने क्या बताया? बेसमेंट में ही है, एक जगह से आग को बुझाया जाता है तो दूसरी जगह से भड़क उठती है। एक्सेस का मसला है, चूँकि बेसमेंट है, दो जगह से एंट्रेंस है जिसे प्रॉब्लम हो रही है कि जो मेन दरवाज़ा था इस सुपरमार्केट का उसको भी खोला है ताकि इसको धुएं को बाहर निकाला जा सके। और कुछ जगहों पे हमने दीवार को भी तोड़ा है ताकि एक्सेस को यकीनी बनाया जा सके। तो वो काम चल रहा है, उसकी तफसीलात गाहे बगाहे आपके साथ शेयर इंशाल्लाह करते रहेंगे। अभी हमारा टारगेट यही है कि ये ना जाने के वजह क्या थी, टारगेट ये है कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से कन्फाइन किया जा सके और जो आग लगी है उसको फौरी तौर पर बुझाया जा सके। और अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं तो उस नुकसान को अवॉइड इंशाल्लाह किया जा सके। अच्छा मुर्तजा साहब, जब ये मार्ट बना था तो इन्होंने क्या SOPs फॉलो किए थे? जो फायर सिस्टम होता है अमूमन हम देखते हैं कि उसको फॉलो किया जाता है, तो क्या इन्होंने फॉलो किया था या नहीं किया था? देखिए, मेरे लिए इस वक्त इसके ऊपर कॉमेंट करना नामुनासिब होगा बिकॉज मेरे पास वो ना नक्शा मौजूद है ना उसके अप्रूवल मौजूद है। मैंने भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान से बात की है, DC साहब को भी मैंने कहा है कि नक्शा वगैरह मंगवा ले, उसको हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैंने आपको बताया टारगेट हमारा अभी ये नहीं है किसकी गलती है, अभी हमारा टारगेट ये है कि किस तरीके से नुकसान को मिनिमाइज़ किया जा सके। अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान किसी को ना हो, तो रिलीफ का जो काम है उसको हम तवज्जो दे रहे हैं, उसको फोकस करें। एक बार आग मुकम्मल तौर पर उसको काबू पा लिया जाए, रोक दिया जाए, बुझा दिया जाए, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा कि आया उन्होंने अपने फायर सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत थी वो उन्होंने किए नहीं किए, और DC साहब इंशाल्लाह उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेसमेंट जो है बहुत अहम हिस्सा होता है बिल्डिंग का, उसके अंदर गोदाम बनाना ये करके मैं आपके पास आ रहा हूं। बताइए कि डबल वन डबल टू अगर अच्छा शेडी पे सिंगम के जाने से हमने एम्प्टी गाड़ियां भी यहां पर देखी हैं, तो अब तक ये जो हमला है उन्होंने कोई ऐसा बंदा देखा कि जी मैंने बताया आपको कि पूरे हमारे अमले ने, तमाम जो यहाँ पे एहलकार थे उन्होंने बिल्डिंग का मुआयना किया, ऊपर तक गए हैं, जो लोग मौजूद थे उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और इस वक्त कोई हमें बंदा ऊपर बिल्डिंग के अंदर ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आया। जो इलाका मकीन है वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कोई जानी नुकसान की या कोई इंजरी की या किसी तकलीफ़ की इत्तला नहीं मिली है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन यही है कि बेसमेंट के अंदर वो बनाना वेयर हाउस इंतहाई अहम हसास हिस्सा होता है, तो इसके हवाले से क्या किया जाएगा? अभी तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या आपके इसको इसका नक्शा देखा जाएगा? नेचुरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ये काम है, इसको देख लिया जाएगा कि आया बेसमेंट का पर्पस क्या था, बेसमेंट पे इस तरह की मार्केट खुलने की इजाज़त थी नहीं थी, उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड का हमला हो, पुलिस हो, सिविल इंतज़ामिया हो,
KMC हो, मेडिकल के हमारे लोग हों, सब के सब यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो कुछ भी किया जा सकता है नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए और चीज़ों की आग की रोकथाम के लिए वो किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।